आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप ग्रो ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं और ग्रो में कैसे आप इंट्राडे में शेयर्स बाय करेंगे और कैसे सेल करेंगे। और अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं तो आप स्टॉप लॉस का यूज यहां पर किस तरह से करेंगे, ये जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं ग्रो में इंट्राडे ट्रेडिंग करना तो आप पहले इस वीडियो को कम्प्लीट देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो में आपको ग्रो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ जानकारी देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अब चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम ग्रो में इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो ग्रो में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। ग्रो में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां क्लिक कर आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जब डीमैट अकाउंट आपका सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस यहां पर शो हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इस ऐप की जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ, जिसकी मदद से आप दोस्तों इस ऐप को बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि ऊपर आपके सामने ऑप्शन है सर्च ग्रो का, यहाँ पर क्लिक कर आप सर्च कर सकते हैं किसी भी कंपनी को जिस कंपनी के आपको इंट्राडे में शेयर्स बाय करने हैं। आगे आपके सामने ऑप्शन है प्रोफाइल का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, यहाँ पर आपका ग्रो का बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पर आपके ऑल ऑर्डर्स आ जाएंगे, यहाँ पर बैंक डिटेल्स, कस्टमर सपोर्ट, रिपोर्ट्स, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से अगर आप बे करते हैं तो नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है निफ्टी 50 का और आगे ऑप्शन आता है सेंसेस का। निफ्टी 50 में दोस्तों इंडिया की टॉप 50 कंपनी आती है और सेंसेस में इंडिया की टॉप 30 कंपनी आती है। यहाँ से आपको पता चलता है कि आज शेयर मार्केट कितनी ऊपर है और कितनी डाउन है, आप इन्हें देखकर यहाँ पर पता लगा सकते हैं। यहाँ से अगर आप स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है गेनर्स का, एक आता है लूजर का। लूजर पर क्लिक अगर आप उन कंपनी को देख सकते हैं जिनके शेयर्स अभी के टाइम में काफ़ी डाउन गए हैं। अगर आप क्लिक करते हैं गेनर्स पे तो यहाँ पर क्लिक अगर आप उन शेयर को देख सकते हैं जिन कंपनी के शेयर्स अभी के टाइम में काफ़ी ऊपर गए हैं, जैसे कि अडानी इंटरप्राइज का अभी के टाइम में एक शेयर की कीमत है 2310 रुपये और इस पर आज के दिन जो पैसे बढ़े हैं वो बढ़े हैं 354.70 रुपये, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और भी कंपनी आपके सामने हैं जिनके शेयर्स आज काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। नीचे आपको मिल जाएगी स्टॉक न्यूज़, ये भी आप पढ़ सकते हैं। आगे आपके सामने ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का, म्यूचुअल फंड भी दोस्तों आप इसका यहाँ पर देख सकते हैं। मगर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम इंट्राडे में शेयर्स बाय और सेल कैसे करेंगे और पैसे कैसे कमाएंगे। उसके लिए हमें नीचे आना है, यहाँ पर आप चाहें तो गेनर्स में किसी एक शेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर आप सर्च बार पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे जिस कंपनी की आप इंट्राडे में शेयर्स बाय करने वाले हैं। जैसे कि हम अभी के टाइम में अडानी इंटरप्राइज के शेयर्स बाय करने वाले हैं तो हम अडानी इंटरप्राइज सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद इसका ग्राफ हमारे सामने शो हो जाएगा। अगर आपको कंप्लीट ग्राफ देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसका चार्ट देख सकते हैं, चार्ट आपके सामने यहाँ पर शो हो जाता है। आप कैंडल के हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप चाहे तो वन वीक का चार्ट देख सकते हैं, वन मंथ का चार्ट देख सकते हैं, थ्री मंथ का, वन ईयर का चार्ट भी आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम इस कंपनी के शेयर को इंट्राडे में बाय कैसे करेंगे। उसके लिए आप क्लिक करेंगे सिंपली बाय पे। बाय पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है डिलीवरी का, एक आता है इंट्राडे का। मगर हमें ये शेयर इंट्राडे में बाय करने हैं तो हम इंट्राडे को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से इंट्राडे सेलेक्ट करने के बाद आगे आपके सामने ऑप्शन है क्वांटिटी का, तो यहाँ पर आपको NSE और BSE के दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी एंटर करेंगे जितने शेयर्स आप यहाँ पर बाय करने वाले हैं। जैसे कि अभी के टाइम में एक शेयर है 2315 रुपये का, हम यहाँ पर सिर्फ 10 शेयर बाय करने वाले हैं, तो 10 हम इस तरह से एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम ये 10 शेयर इंट्राडे में बाय करते हैं तो हमें ये शेयर पड़ने वाले हैं 11633 रुपये के। अगर हम यही शेयर बाय करते हैं डिलीवरी में तो हमें 10 शेयर पड़ेंगे 23663 रुपये के। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है इंट्राडे में शेयर्स बाय करने का। और नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है प्राइस का, यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने, एक है मार्केट का, एक है लिमिट का। अगर आप चाहते हैं शेयर्स को लिमिट में बाय करना तो आप अपनी लिमिट यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे कि अभी के टाइम में एक शेयर की प्राइस है 2318 रुपये। अगर आपको लगता है कि ये शेयर डाउन हो जाएगा और इसे 2300 रुपये आ जाएगा तो आप 2300 की लिमिट एंटर कर देंगे और शेयर को बाय यहाँ पर कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं शेयर को मार्केट रेट पर बाय करना तो आप मार्केट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो रेट मार्केट में अभी के टाइम में है उसी रेट पर आपके शेयर्स यहाँ पर बाय हो जाएंगे।
नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है एड स्टॉप लॉस का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस एंटर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर हम अभी के टाइम में इस शेयर को 2320 रुपये में बाई करते हैं और हम चाहते हैं कि अगर ये शेयर डाउन होता है, यानी डाउन होकर अगर ये 2300 रुपये का आ जाता है, तो ये शेयर हमारा ऑटोमेटिक बिक जाना चाहिए, हमें इससे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं करना है। तो हम 2300 रुपये का अमाउंट अपना इस तरह से यहाँ पर एंटर कर देंगे। 2300 एंटर करने के बाद दोस्तों, अब अगर ये शेयर डाउन होता है और 2300 रुपये का आ जाता है, तो हमारा शेयर यहाँ पर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, हमें सेल करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं और स्टॉप लॉस का बेनिफिट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। स्टॉप लॉस की वजह से आप अपना बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस का आप यहाँ पर जरूर यूज़ करें अगर आप इंट्राडे में शेयर्स बाय और सेल करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। तो स्टॉप लॉस दोस्तों हमने एंटर कर दिया है अपना यहाँ पर, और नीचे लिखा हुआ है एड मनी, यहाँ पर क्लिक। अगर पैसे हमें अपने पास से यहाँ पर एड करने हैं तो यहाँ पर हम 12000 रुपये एड कर लेते हैं। तो 12000 हम इस तरह से एंटर यहाँ पर कर देंगे और एड मनी पर क्लिक कर देंगे। एड मनी पर क्लिक करने के बाद अब हमें कुछ सेकंड का वेट करना है और हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने फ़ोन पे पे और लॉग इन कर यहाँ पर हमें पैसे ये एड इस ऐप में कर देने हैं। यहाँ पर दोस्तों 12000 रुपये मैंने ऐड कर लिए हैं। तो अब हम सिंपली बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद ये ऑर्डर हमने यहाँ पर सक्सेसफुल लगा दिया है, यानी ये शेयर हमारे यहाँ पर बाय हो गए इंट्राडे में। अब हम डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों वहाँ से आ गए हम बैक। अब हम आते हैं होम पे। होम पे आने के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो शेयर हमने इंट्राडे में बाय करे हैं, अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है। अभी हम ये कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आप क्लिक करेंगे पोजीशन पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके वो शेयर आ जाएंगे जो आपने अभी के टाइम में बाय करे हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने अडानी एंटरप्राइज के 10 शेयर बाय करे हैं और इस पर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर हमें 15 से 25 रुपये का, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कम बढ़ती यहाँ पर होता रहेगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगर हमें इस शेयर को यहाँ पर सेल करना है तो सेल कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं। एक आता है एड स्टॉप लॉस का, आप चाहे तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एक आता है कन्वर्ट टू डिलीवरी का, आप चाहे तो जो आपने शेयर इंट्राडे में बाय करे हैं ये आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आता है पोजीशन डिटेल्स का, यहाँ पर क्लिक अगर आपकी टोटल डिटेल्स देख सकते हैं। मगर दोस्तों अब हमें ये अडानी इंटरप्राइज के शेयर्स को यहाँ पर सेल करना है, तो सेल करने के लिए अब हम क्लिक करेंगे सिंपली एग्जिट पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद 10 शेयर हमारे यहाँ पर शो हो गए हैं। नीचे हमने मार्केट को सिलेक्ट कर लिया है। नीचे हमारे सामने ऑप्शन है एड स्टॉप लॉस का, अगर आप स्टॉप लॉस से सेल करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं, मगर हम स्टॉप लॉस सेल यहाँ पर नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट सेल करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें नीचे आना है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है सिंपली सेल पे। सेल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सेल ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुके हैं और हमने जो 10 शेयर बाय करे थे वो यहाँ पर सक्सेसफुल सेल हो गए हैं। अब हमें इसकी अगर डिटेल्स देखनी है तो हम क्लिक कर देंगे ऑर्डर डिटेल्स पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सारे डिटेल्स हमारे सामने इसकी यहाँ पर शो हो जाएगी, स्क्रीन पर आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों अब हम बाय कर लेते हैं। यहाँ से पे करने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस शेयर को बाय और सेल करने पे ही हमें यहाँ पर 47 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर आपको देखने हैं अपने ऑर्डर्स तो आप ऑर्डर्स पे क्लिक कर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों आपको इंट्राडे में एक फीचर और मिलता है, वो है यहाँ पर पहले सेल करना और फिर बाय करना। आप चाहे तो इस तरह भी यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। पहले सेल कैसे करते हैं और बाद में बाय कैसे करते हैं, इसके ऊपर आपको जल्द न्यू वीडियो चैनल पर मिलने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। अब बात करते हैं दोस्तों जो शेयर हमने यहाँ पर सेल कर दी हैं, अगर हमें उन पैसों को विड्रॉल करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप क्लिक करेंगे प्रोफाइल वाले आइकन पे, ग्रो बैलेंस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जब टोटल अमाउंट यहाँ पर आकर काउंट हो जाएगा तो जब भी आप उसे यहाँ से विड्रॉल कर पाएंगे। अभी दोस्तों हमारे पास बैलेंस में अवेलेबल अमाउंट है 437 रुपये और जो हमारा 11562 रुपये हैं दोस्तों, ये हमें नेक्स्ट डे यहाँ पर मिल जाएगा। और इन्हें विड्रॉल करने के लिए सिंपली हमें क्लिक करना होता है विड्रॉ में, यहाँ पर अपना अमाउंट एंटर करना है और विड्रॉ नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ से पैसे हमारे विड्रॉल हो जाएंगे और पैसा हमें रिसीव हो जाएंगे 6 से लेकर 8 घंटे के अंदर, और ये पैसे हमें बैंक में रिसीव होते हैं। अब हम यहाँ से पे कर लेते हैं। यहाँ से पे करने के बाद दोस्तों अब मैंने आपको जानकारी दे दी है किस तरह से आप ग्रो ऐप को यूज़ करेंगे, कैसे आप इंट्राडे में शेयर्स बाय करेंगे और कैसे सेल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।